15 हिसाब को पार्ट 15 प्रॉफिट लॉस का। एक निर्माता ने किसी वस्तु को 4% के लाभ पर किसी थोक विक्रेता को बेचा, यानी निर्माण करने वाला निर्माता कहलाता है। तो निर्माता ने किसी सामान का निर्माण किया और उस सामान को 4% के लाभ पर किसी थोक विक्रेता को बेचा। तो जैसे देखो, ये हो गया निर्माता, ये दिया 3 तरह का व्यक्ति है इस हिसाब में। एक है निर्माता जो सामान का निर्माण कर रहा है, तो सामान का निर्माण करता है और ये निर्माण करने में कुछ लागत आता होगा ना जी, रुपया पैसा खर्च होता होगा, फ्री में तो सामान नहीं तैयार होगा। तो ये कुछ लागत लगा करके कोई सामान तैयार करता है और थोक विक्रेता को बेचता है। तो सामान जितना में तैयार होता है उसमें कुछ बेनिफिट लेता है, तब देता है थोक विक्रेता को। कितना बेनिफिट लेता है तो 5%, यानी ये निर्माता, एक निर्माता ने किसी वस्तु को 4% लाभ पर किसी थोक विक्रेता को बेचा। निर्माता 4% लाभ, इतना लाभ पर बेचा है, थोक विक्रेता लिया। अब थोक विक्रेता उसी वस्तु को 5% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेचा। ये थोक विक्रेता जो है उसी वस्तु को बेचता है, देता है खुदरा विक्रेता को, कितना बेनिफिट पर, तो 5% लाभ पर उसने खुदरा विक्रेता को बेचा। किसने? थोक विक्रेता ने 5% बेनिफिट लिया और दिया खुदरा विक्रेता को। तो खुदरा विक्रेता कितना, ये थोक विक्रेता 5% बेनिफिट लिया लाभ, तब दिया खुदरा विक्रेता को। तो इसकी उस वस्तु के लिए, यदि खुदरा विक्रेता ने वस्तु के लिए 273 रुपया का भुगतान किया तो निर्माता की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये खुदरा विक्रेता कितना रुपया दिया उस वस्तु के लिए, तो 273 रुपया। तो कहता है निर्माता को लागत कितना लगा था, हिसाब को समझा। फिर एक बार समझ लो, निर्माता ने सामान बनाया, उसको लागत कितना लगा, ये कहता है आप निकालिए। तो जितना भी लागत लगा निर्माता को, उस पर 4% बेनिफिट लिया, दे दिया थोक विक्रेता को। थोक विक्रेता क्या किया, उसी सामान पर अब 5% बेनिफिट लिया, दे दिया खुदरा विक्रेता को। तो खुदरा विक्रेता इसको 273 रुपया दिया, समझ गया, और खुदरा विक्रेता को सामान मिल गया। तो कहता है निर्माता का लागत मूल्य निकालिए। प्रश्न क्या पूछता है, समझा। तो आशीष, तो मान लो निर्माता ने लागत मूल्य के रूप में 100 रुपया लगाया, ठीक है। माना कि लागत मूल्य 100 रुपया लगाया, तो लागत मूल्य पर निर्माता 4% का बेनिफिट लेता है और थोक विक्रेता को बेचता है, यानी 100 रुपया लागत मूल्य लगाया है, तो 100 रुपया पर न 4% लेता है। 1 × 4% का अर्थ 100 × 4, तो इसीलिए 1 में कितना, इसलिए 100 में कितना निकल जाएगा ना, लागत पर 4%।
है इसकी बात। तो निर्माता का लाभ बराबर 4%। तो इसको हम लोग दो तरह से सोच सकते हैं। पहले भी बोले हैं इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ निकालोगे तो 100 रुपया में 4 रुपया लाभ लिया। दूसरे ढंग से सोचोगे अगर 100 रुपया में खरीदा या 100 रुपया वस्तु को बनाने में लागत मूल्य लगा तो उसको बेच रहा है 104 रुपया में, 104 रुपया फायदा लेकर के, है इसी बात। यानी 100 रुपया लागत लगाओ और 4 रुपया बेनिफिट लेकर के 104 में बेचो, अर्थात लागत मूल्य कहो या क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य 104 रुपया है, है। तो निर्माता का लाभ 4% का अर्थ क्या हो गया, यहाँ लागत मूल्य या क्रय मूल्य, बात हुआ एक के? यहाँ लागत मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना है बोलो? 104 रुपया। 104 सीधे लिख देते हैं, 104 रुपया है। इसीलिए लागत मूल्य 1 रुपया है तो विक्रय मूल्य 104/100 रुपया। इसीलिए माना कि निर्माता ने लागत मूल्य 100 रुपया लगाया, लागत मूल्य 100 रुपया है, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, निकल जाएगा विक्रय मूल्य। इसीलिए लागत मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य 104/100 × 100 रुपया, इसको काट लो 50, ये हो गया 52, फिर कटेगा ये 26, ये हो गया 25, यानी 26x/25 रुपया होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अतः थोक विक्रेता या निर्माता का विक्रय मूल्य कितना, 26x/25, विक्रय मूल्य बराबर 26x/25 रुपया। यहाँ तक समझा तो इंगित दिया इसमें। अब ये निर्माता कितना में बेचा, इसको विक्रय मूल्य 26x/25 रुपया, 26x/25 रुपया में, है ना। यानी ये बेटा तो खरीदार थोक विक्रेता है, तो चलो ये बोलो निर्माता ने बेचा और ये थोक विक्रेता उस वस्तु को खरीदा, तो थोक विक्रेता कितना में खरीदा, तो निर्माता में जितना में बेचा निर्माता उस वस्तु को, मान लो 500 रुपया है इसका वैल्यू, तो 500 रुपया में बेचा तो निर्माता के लिए ये बेचने वाला दाम है, तो थोक विक्रेता खरीद रहा है उसके लिए खरीदने वाला दाम यानी क्रय मूल्य है ना। तो निर्माता का विक्रय मूल्य बराबर थोक विक्रेता का क्रय मूल्य होगा, खरीदने वाला दाम। तो लिख सकते हैं इसलिए निर्माता का विक्रय मूल्य बराबर थोक विक्रेता का क्रय मूल्य,
बराबर कितना निर्माता का विक्रय मूल्य तो ये 26x/25 रुपया है, तो निर्माता का विक्रय मूल्य बराबर थोक विक्रेता का क्रय मूल्य यानी 26x/25 रुपया। समझा इसको, तब ये थोक विक्रेता का क्रय मूल्य हुआ। अब थोक विक्रेता क्या कहता है, 26x/25 रुपया में खरीदा और 5% लाभ लेकर के खुदरा विक्रेता को दे देता है, है ना। तो इसका अर्थ है थोक विक्रेता को क्रय मूल्य खरीद रेट पर कितना बेनिफिट लेता है, 5% का, यानी 100 पर ₹5 लेता है, लेता है ना, तो थोक विक्रेता। अब थोक विक्रेता का लाभ ये कितना लाभ लेता है, 5%, यानी 100 पर ₹5 लेता है, ऐसे भी निकाल सकते हो। इसलिए 1 पर कितना, इसीलिए 26x/25 पर कितना, तो जो लाभ होगा निकाल करके जोड़ दोगे तो ये थोक विक्रेता के क्रय मूल्य में, तो इतना में इसका मतलब थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को दे दिया, है ना। इसी बात दूसरा तरीका, इसका अर्थ है 5% लाभ का एक अर्थ यह भी है, जो 1% यानी 100 में खरीदो लाभ है 5, यानी 100 में लो और ₹5 लाभ लो, 100 में ₹5 लाभ लो, यानी 100 का सामान कितना में बेचो, ₹100 में खरीदा क्रय मूल्य और ₹5 लाभ जोड़ दो, तो 100 का सामान 105 में बेचो। इसका अर्थ यह हुआ क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 105। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना, 100 जोड़ 5 यानी बराबर 105 रुपया है। इसीलिए क्रय मूल्य 1 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना, 105/100 रुपया, ये काटोगे तो 21 × 105 ये 20, यानी 21/20 रुपया। इसीलिए थोक विक्रेता का क्रय मूल्य है कितना, तो 26x/25 अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा थोक विक्रेता का निकल जाएगा। इसलिए क्रय मूल्य 26x/25 रुपया है तो विक्रय मूल्य 21/20 × 26x/25 कटेगा 26, ये हो गया 10, है ना, ये हो गया 10, ये हो गया 13। अब 21 × 13 × 1 कितना हो गया, 21 × 63 = 6, 21 × 21 = 27, 273 × 10 × 25 250 कितना रुपया। ये क्या हुआ, ये रुपया इस क्रय मूल्य पर थोक विक्रेता ने जो 5% लाभ लिया है, तो खरीदा है तो 26x/25 रुपया में, तो 5% लाभ इसके बेचने पर मिल रहा है इसको, तो इसका 5% निकाल करके हम लोग कितना में बेचा, सो निकाल लिए यहाँ क्रय मूल्य 5%, क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 105, इसलिए क्रय मूल्य 1, तो इतना बटा इतना विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य इतना होगा तो विक्रय मूल्य उतना, यानी थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को कितना में दिया, 273x/250 में दिया, बोलो। तो अब थोक विक्रेता जो है ये खुदरा विक्रेता को दिया 273x/250 रुपया में, इतना भुगतान किया मतलब खरीदा, भुगतान करने का अर्थ दे दिया, जैसे तुम मान लो समझ गया।
अब ध्यान दो, प्रश्न में जो कह रहा है थोक विक्रेता इतना रुपया में खुदरा विक्रेता को सामान दिया, तो खुदरा विक्रेता प्रश्न में कह रहा है 273 रुपया दिया थोक विक्रेता को, तो थोक विक्रेता तो सामान का दाम इतना रखा अपना बेनिफिट जोड़ करके, तो यही पैसा लेगा ना, यही पैसा के रूप में इसको मिल गया 273 रुपया। इसका मतलब ये 273 रुपया है, यानी इतना बराबर 273 रुपया थोक विक्रेता के द्वारा खुदरा विक्रेता को दिए गए बराबर हो गया। समीकरण फर्स्ट है ना, अतः थोक विक्रेता, थोक विक्रेता देखो खुदरा विक्रेता को बेचता है, यानी विक्रय मूल्य हो गया थोक विक्रेता का, तो थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य बराबर खुदरा विक्रेता का क्रय मूल्य होगा। थोक विक्रेता 273 रुपया दे करके खरीदा, थोक ये खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता को 273 दिया, थोक विक्रेता ने इतना रुपया में दिया, तो ये दोनों बराबर हो गया, थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य 273 x बटा 250, और खुदरा विक्रेता कितना में खरीदा तो पता 273 दिया, तो इसीलिए x बराबर तिरछा गुना होगा तो 273 गुने 250, और ये 273 नीचे चला जाएगा, ये तो इक्वेशन है, ये कट गया बराबर 250। अब देखो माना कि निर्माता ने लागत मूल्य x रुपया लगाया, x का मान 250, यहाँ 250 रख दो तो 250 रुपया लगाया, इसलिए लागत मूल्य बराबर x रुपया बराबर 250 रुपया आंसर, समझ गया। चलो तो अगले पार्ट का लिखो तो